हाँ तो दोस्तों यहाँ पे शक्ति पंप्स के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको शक्ति पंप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन यहाँ पे टोटल रेवेन्यू 51% गिर कर 157 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे रेवेन्यू गिरने का मेन कारण क्या है, कोविड का सेकंड वेव और अप्रैल और मई और जून के फर्स्ट वीक तक कोविड का सेकंड वेव था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कंपनी का रेवेन्यू ही गिर जाएगा, मेन सेल्स ही गिर जाएगी, तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हमको गिरती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 76% ऑन क्वार्टरली बेसिस गिरकर 7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर्स के मुकाबले यहाँ पे सिचुएशन काफी बेटर है, यानी कि पिछले साल पैंडेमिक से जो इश्यूज हमको देखने को मिले थे वो इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि रेवेन्यू देखिए पिछले साल के मुकाबले 68% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 157 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे डबल हो चुकी है, 120% यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 7 करोड़ का। तो देखिए ऑलदो यहाँ पे शक्ति पंप अच्छा काम करता हुआ नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई इश्यू यहाँ पे, मेरे ख्याल से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रिजल्ट की वजह से अगर कोई स्टॉक पे होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब ये देखिए 1512 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड पे नजर डाले तो 0.97% का यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी है। तो देखा जाए ग्रोथ स्टॉक नजर आता है, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा स्टॉक नजर आता है। अब ये देखिए 2021 में जहां पे कोविड से बिजनेसेस थोड़े अच्छे नहीं चल रहे थे, लेकिन इन्होंने लास्ट जो दो क्वार्टर्स थे 2021 के क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और देखिए जो कंसोलिडेशन परफॉर्मेंस यहां पे था वो यहां पे अच्छा होता हुआ हमें नजर आया है, लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर है इसकी वजह से थोड़ा इस पूरे साल में थोड़ा असर पड़ सकता है। अब ये देखिए 822 पे यहाँ पे शक्ति पंप का अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है और 910 का इसका ऑल टाइम हाई है, तो अपने ऑल टाइम हाई से आपको 10% डिस्काउंट पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए शक्ति पंप की अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये बने रहिए कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते। जो कंसोलिडेशन कंपनी की अर्निंग्स में हमने देखने को मिला था वो अभी यहाँ पे अच्छे से कंपनी अब ग्रो होती हुई हमें नजर आ रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहिए और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए अगर मार्केट नॉर्मल बिहेव करता है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट को अगर मार्केट खुश होता है अगर वो रिजल्ट देखकर, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आराम से जो 910 का इसका ऑल टाइम हाई है वही आराम से आपको काटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि शक्ति पंप के क्वार्टर वन के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।